गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल गेम ऑफ इनिंग में, जहाँ आज हम देखेंगे WWE रॉ 10 अप्रैल 2017 से कुछ जुड़ी अच्छी और कुछ बुरी बातें। हर किसी को रसलमेनिया के बाद वाली रॉ का इंतजार था, क्योंकि पिछले हफ्ते विंस मैकमैन ने इस बात का ऐलान किया था कि इस हफ्ते सुपर स्टार्स के ब्रांड बदले जाएंगे। इसी वजह से यह हफ्ता काफ़ी अहम था। तो आइए नज़र डालते हैं इस हफ्ते रॉ की अच्छी और बुरी बातों पर। सबसे पहले बुरी बात, पहला पॉइंट, हर कोई रॉ में है। द मिज, मॉरीस, एलेक्सा ब्लिस, मिक्की जेम्स, डीन एम्ब्रोज और ब्रे वाइट सब रॉ में हैं। इसका मतलब कि जिन स्टार्स ने स्मैकडाउन लाइव में नाम कमाया, अब वो रेड ब्रांड रॉ का हिस्सा बन गए हैं। ब्रे वाइट कुछ समय पहले तक स्मैकडाउन के चैंपियन थे, डीन एम्ब्रोज वहाँ कंपनी के दूसरे बड़े टाइटल होल्डर थे, और अब वो इसके साथ रॉ में आ गए हैं। एलेक्सा ब्लिस स्मैकडाउन एक्स वुमेन्स डिवीज़न की स्टार भी रह चुकी हैं, लेकिन बिना इन स्टार्स के स्मैकडाउन अपनी चमक बरकरार रख पाएगा। अब अच्छी बात, एजे स्टाइल्स अभी भी स्मैकडाउन में है। एजे स्टाइल्स पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के बेबी फेस बन गए, जब उन्होंने रसलमेनिया में हुए मैच के बाद शेन मैकमैन से हाथ मिलाया। उन्होंने कहा था कि वे इसी ब्रांड का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि शेन मैकमैन ने उनकी बात सुन ली और एजे स्टाइल्स को स्मैकडाउन में रहने का मौका दिया, और निश्चित ही स्मैकडाउन को अभी एजे स्टाइल जैसे बड़े स्टार की ज़रूरत है। अब फिर एक बुरी बात, मिज रॉ में अपना पहला मैच हारे। स्मैकडाउन की सबसे अच्छी चीज़ द मिज ही थे, हालांकि रॉ में अपने पहले ही मैच में उन्होंने सैमी ज़ेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। रॉ जनरल मैनेजर कर्ट एंगल ने सबसे पहला मैच सैमी ज़ेन के खिलाफ रखा, जो कि हर हफ्ते जीतने से ज़्यादा मैच हार रहे हैं। यह उम्मीद की जा सकती है कि रॉ मिज के किरदार को समझे और आने वाले समय में उन्हें लॉन्ग रन दे। और फिर एक अच्छी बात, रोमन रेंस को एपिक बीट डाउन। इस हफ्ते रोमन रेंस का माइकल कोल के साथ इंटरव्यू चल रहा था, जहां ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उनके ऊपर हमला किया। उसके बाद स्ट्रेचर पर जा रहे रेंस को नीचे गिरा दिया, जो कि सीने के बल गिरे। ब्रॉन स्ट्रोमैन यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने एक एम्बुलेंस के अंदर भी रेंस के ऊपर हमला कर दिया, और अंत में उन्होंने एम्बुलेंस को भी पलट दिया। हो सकता है कि अगले हफ्ते रोमन रेंस पलटवार करें। फिर एक अच्छी बात, टैग टीम डिवीज़न। कुछ हफ्तों पहले रॉ की टैग टीम डिवीज़न काफ़ी कमज़ोर थी। हार्डी बॉयज़ और रिवाइवल के आने के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। अब रॉ में फैंस टैग टीम डिवीज़न में काफ़ी इंटरेस्टिंग लेने लगे हैं। तो दोस्तों, ये था रॉ 10 अप्रैल 2017 से जुड़ी कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें। अगर और भी इस तरह की खबर पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।